ये तस्वीरें देखिए आप, हल्द्वानी के तस्वीरें हैं जहां पर अवैध मदरसे से यहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए जब पुलिस का दस्ता पहुंचा तो पथराव हुआ, आगजनी हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज ही की तस्वीरें, शाम की तस्वीरें। और ये बवाल इस वक्त भी जारी है, भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है उपद्रवियों पर। देवभूमि उत्तराखंड को जिन्होंने भी आग के हवाले करने की और शांति भंग करने की कोशिश की है, उन दंगाइयों पर अब देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से ये पूरी तस्वीर सामने आई है, उसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई को आखिर धर्म से जोड़कर क्यों देखा जाता है। क्या कुछ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत मीटिंग की और क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो सबसे पहले आप सुनिए। अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी, वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।